तो क्योंकि ये पावर प्ले है तेज तेज सवालों के तेज तेज जवाब देने हैं शोबिस के अलावा आप अगर और किसी प्रोफेशन को अपना करियर बनाना चाहें तो वो क्या होगा इंटीरियर डिजाइनर और डेकोरेटर अच्छा हम्म बहुत शौक है मुझे आई एम प्रीटी गुड आर्टर पढ़ा है आपने या नहीं पढ़ा नहीं लेकिन कहीं पढ़ा नहीं बट देखा है मैंने नहीं <laughs> मैं ये नहीं कह रही थी यार मैं ये कह रही थी कि अगर मैंने ये करना होता प्रोफेशनली तो मैं इसको पढ़ती, पढ़ती क्योंकि yes. इसमें मेरा इंटरेस्ट बहुत आर्ट स्टूडेंट yeah. और उस वक्त जब मैं फाइन आर्ट में थी तो मुझे आर्किटेक्चर में जाने का शौक तो आपको था। हमारा सेट कैसा लग रहा अच्छा. है really आपको कहना भूल गई नो आई विद इट और अगर अपकमिंग प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर सॉरी सच है कि फैशन की दुनिया में हाँ। जितनी ग्लैमर आपको दिख रही होती है yeah. उतनी ही अगली है नहीं, अगली अगली है, I say है, बट आई से बहुत टफ है but तो dark side of it. Must be, क्योंकि मैं फैशन की दुनिया में अगर आप हाँ। फैशन की दुनिया की बात करें तो मैं इतना ज्यादा मैंने उसमें इंडल्ज किया नहीं है uh, लेकिन आ, uh, मुझे टफ बहुत लगा इसलिए मैं उससे बहुत जल्दी मैंने जो है ऑफ uh, ट्रैक हो गई मैं क्योंकि मैं नहीं मुझे लगा कि मैं नहीं, नहीं कर पाऊंगी नो नॉट फॉर मी ओके जी अगर इनमें से आप किसी एक चीज के बिना सरवाइव कर सकती हैं तो वो क्या होगा हाँ। मोबाइल फोन ट्रैवलिंग या फ्रेंड्स मोबाइल फोन के बगैर तो नहीं कर सकती फ्रेंड्स के बगैर भी नहीं कर सकती हालांकि ट्रैवलिंग भी आई लव बट आई हैव टू गिव अप ऑन ट्रैवलिंग

क्योंकि पता नहीं क्यों समहाउ मैं जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करती हूँ उसमें कास्ट के साथ इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है कि वो फिर एक फैमिली वाला एटमोसफेयर बन ही जाता है तो आई कॉन्ट रिमेंबर थिंकिंग बैक कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट हुआ जिस जो मेरे लिए करना मेरे लिए मुश्किल हो गया ऑन स्क्रीन की अगर आप बात करें कि उसका क्या आउटकम था तो प्लीज डोंट किल मी लेकिन मैं अपने बहुत से मैंने प्लेज हैं जो नहीं देखे हुए तो इसलिए मुझे नहीं पता लेकिन नहीं ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं जो मैंने रिग्रेट किया हो कि यार मुझे ये नहीं करना चाहिए ओके

सोते सुकून <laughs> नहीं घर ऐसे okay, okay, फल जिनमें बीज होते हैं वाटरमेलन uh, okay, एक्टर्स जिनकी पर्सनैलिटी ने आपको बहुत किया किया तो अच्छे लगे लगे बिलाल अशरफ मिकाजुल्फिकार एंड उमेर राना राणा ओके कोई तीन चीजें जो सबसे छुपा कर आई वोट वाट मोर तीन चीजें जो आप सबसे छुपा कर रखती हैं मेरा बैंक बैलेंस, मेरे पेचेक्स और मेरा साइनिंग अमाउंट फॉर एनी प्रोजेक्ट। बैंक बैलेंस और पेचेक्स एक ही। नहीं। साइनिंग अमाउंट भी वही है। नहीं। बात आपकी पैसों बैग या खत्म हो गई। अच्छा जो ओके सॉरी सॉरी सॉरी। बैंक बैलेंस, माय लव लाइफ जो के जीरो है और ये और माय अपकमिंग अपकमिंग ट्रैवलिंग प्लान uh, मैं ये भी किसी को नहीं बताती yeah, सबसे अच्छा जवाब था, था। <laughs> जो के जीरो है, खुदी खुदी जब तक, 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 तक बताऊँ जब, जब तक पकड़े नहीं मैं आपको एक बात बताती हूँ सच्ची और ये मेरा इस चीज पे बहुत फर्म बिलीव है कि जो चीज आपकी जिंदगी में हो रही है और आप उसके बारे में बात करना शुरू कर देना बिल्कुल आप खुद ही ड्रिंक्स कर देते तो इसलिए कुछ चीजें हैं जो कि वाकई ही आपको अपने हद हाँ तक रखनी चाहिए जिसमें आपकी एक रोजी कमाई जरूरी है आ, मैं ट्रैवलिंग प्लान भी किसी को इसे नहीं बताती हूँ कि एक आधा दफ़ा बताया तो वो मेरा जो जर्नी थी वो इतनी मुश्किल हो गई इतनी मुश्किल हो गई कि मैं जी तो मैं जब पहुँच जाती हूँ जगह पे तो मैं बताती हूँ कि वो बाय द वे मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ और जो तीसरी बात थी ओके okay, जी अगर आपको आयजा और इकरा में से किसी एक को अवार्ड देना हो तो किसको देंगे एक्टिंग स्किल्स या ब्यूटी एक्टिंग इकरा इकरा ओके एक एक्ट्रेस जिसके फैशन सेंस की आप फैन हैं ओ oh, आयशा उमर मेरी really? हम्म mm -hmm. और कोई नहीं uh, अच्छा आयशा खुद डिजाइनर भी है बाय द वे अब नाउ शी इज बिकम अ डिजाइनर बट आई रियली लाइक हर फैशन सेंस और एक और किरण मलिक किरण okay. ओके mm. जो लोग इंटरनेट पर ट्रोलिंग करते हैं उनके लिए कोई एक लफ्ज uh, नहीं उनके लिए एक लफ्ज नहीं है कोई पूरा सेंटेंस है उनके लिए बहुत उनके लिए सिंपथीज है एक्चुअली आई सिंपथाइज विद देम हमने आई गेस पिछले शो में इस पे बात भी की थी हां की थी ना हां आई ट्रूली सिंपथाइज विद देम बिकॉज़ मैं कभी भी uh, ट्रोलिंग इसलिए नहीं करती हूं क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि अगर मुझे कोई चीज़ बुरी लग भी रही है तो उसके बेसिस पर मैं दूसरे को भी बुरा फील करवाऊँ क्योंकि हर इंसान अपना डिसीजन अपने हिसाब से लेता है जो उसे अच्छा लग रहा होता है वो वही करता है बात बड़ी अच्छी क्योंकि जो 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 ट्रोलिंग करते हैं हैं ट्रोलर्स होते है, वो बेचारे खुद मिजरी में होते हैं बहुत वीक लोग होते हैं ट्रोलिंग करता है ना जो इंटरनेट पे जाके बुरी बुरी बातें दूसरों के लिए लगता है मुझे जेनवन ये लगता है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में इतना सफर कर रहा होता है और वो खुद इतनी तकलीफ में होता है कि उससे